भाजपा के नेता अपने स्वार्थ के लिए एक ओर तो महात्मा गांधी जी की पूजा करते हैं, दूसरी ओर गांधी जी को अपमानित करने का भी काम करते हैं। भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से किसी भी महापुरुष का अपमान करने से बाज नहीं आते। विकास यात्रा के समापन के अवसर पर कबीर वार्ड डूंडा सिवनी के सीएम राइज विद्यालय में स्कूल के बच्चे से इस तरह की कविता सुनवाई गई, जिसमें गांधी जी के प्रति दुष्टाचार झूठी बातें भरी हुई थी। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन भाजपा के नेता अधिकारी शिक्षक सभी महात्मा गांधी जी को अपमानित करने वाली कविता पर बच्चे को शाबाशी दे रहे थे, बार बार तालियां बजा रहे थे। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने तो बच्चे को पुरस्कृत भी किया। देश की आजादी में अपने बलिदान देने वाले महापुरुषों के बारे में स्कूल के बच्चों को इस तरह गलत इतिहास बताकर भाजपा के नेता और उसी विचारधारा के शिक्षक लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मोदी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर सम्मान श्रद्धांजलि जाती है, वहीं सिवनी के विधायक दिनेश राय और भाजपा नेता गांधी जी को अपमानित करने वाली कविता पर बड़े ही उत्साहित जनक आए। बीजेपी नेताओं का ये चेहरा चरित्र देश के लिए घातक है। एक बच्चे ने क्या बोला है, क्या करा, वो स्कूल शिक्षक वहां तक की बात थी, आगे बात कर लेते अगर उनको कुछ चीज लग रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि विकास यात्रा में जब कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से ये लेते हैं, बिल्कुल तो गंभीरता से यह लेना चाहिए कि शिवनी का सब कुछ लुटा के तुम छिंदवाड़ा ले जा रहे हो और तुमने जिस तरीके से अवैध वसूली करके कांग्रेस कार्यालय बनाए हो उसमें आपको ज्ञापन देना चाहिए, उसमें आंदोलन करना चाहिए। यहाँ की जनता के साथ जो छलावा आप लोगों ने किया, आप कोई भी इशू को लेके आप सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप थे कहाँ अभी तक, सवा चार साल रहे नहीं आप कहीं भी जनता के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों का मैटर है, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है उसको, ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरोध तो उसको समझेंगे, देखेंगे, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। बिना जाने बिना अपना हर चीज के लिए करना, राजनीति करना हमसे करो ना, हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार, हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत हो सामने आओ। तुम बच्चों को लेकर इस तरह की हरकत करना ये ठीक नहीं है, माफ नहीं करेगा पूरा सिवनी जिला, पूरा प्रदेश। कहीं बच्चों को लेकर राजनीति कर रहे हो ये गंदा तरीका है, होश में आना चाहिए। अगर तुम सिर्फ लोभ के लिए राजनीति कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वैसे भी आप यहाँ से हाशिए में हो चुके हो, कुछ दिनों के बाद आप पूरे प्रदेश में नहीं दिखोगे। देखिए, गांधी जी के इस देश की स्वतंत्रता में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विडम्बना यह है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की लड़ रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस तो उस समय थी नहीं, और थी भी तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, उनसे माफी मांग मांग के छूट रही थी। इसलिए विधायक जी गलत नहीं बोल रहे, न विधायक जी को मालूम है गांधी जी के बारे में, गांधी क्या थे, न इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होता है, उन्हें जो सिखाया गया और वो सिखाया गया वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। और विधायक जी जो पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि उस बच्चे की कविता पाठ के बाद विधायक जी ने उसे कुछ इनाम देने का भी वहां पर कोशिश करते दिख रहे हैं कि बच्चे को ये चीज दे दो करके। तो ये इनकी विकृत मानसिकता है। महात्मा गांधी जी हमारे सबके लिए पूजनीय है और जिस तरह से उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है।